अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे आप लोग? रागे में एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आपको सुनाएंगे सस्ती शायरी। अर्ज़ किया है, शादीशुदा लोगों में बर्गर पिज़्ज़ा हाफ होता है। वाह 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 वाह, पांच बार वाह वाह करेंगे साथ में। शादीशुदा लोगों में बर्गर पिज़्ज़ा हाफ होता है। नूब के पास आउटफिट तो नहीं होते, लेकिन नूब दिल का साफ होता है। सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। एक बात है, जब मैं भी नूब था ना, जो लोग मुझे खिलाते थे ना गाइस, साथ में मेरे डिवाइस लैग करती थी और वो एक दूसरे को छोड़ के चले भी जाते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जहाँ भी होते थे ना, मर रहा हूँ कुछ भी, गोलियाँ बढ़ रही हैं, उनको बचाने जाता था और उनको स्पेक्टेट करता रहता था, उनका वेट करता रहता था। और लाइक वो टाइम ना अजीब सा टाइम था। मुझे कोई भी अच्छी गन मिली ना, मैं उनको खुद कहता था कि भाई ये वाली गन आप ले लो, आप चला लोगे, मुझे आती नहीं है। सच में मैं ऐसे ही उनको गन दे देता था, रिवाइव करने चला जाता था और हमेशा पहले मैं ही मरता था और बाद पूरी गेम उनका स्पेक्टेट करता रहता था। तो गाइस, ये नूब वाली लाइफ होती है ना, बहुत अच्छी होती है यार। वैसे सच में प्रो बन के ना मज़ा नहीं आता। नूब ऐसा होता है कि गरीब की लाइफ ओके, और प्रो ऐसा होता है अमीरों की लाइफ। लेकिन नूब की लाइफ में सुकून होता है, प्रो जो होते हैं ना अमीरों की लाइफ में सुकून नहीं होता। तो आज हमने इसीलिए नूब वाले कपड़े पहने थे, लाइक ऐसे ट्रिब्यूट, अपनी अंग्रेज़ी वैसे ही कमज़ोर है, ट्रिब्यूट टू नूब्स, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम। अगर मेरी अंग्रेजी अगर लड़खड़ा गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा एनोनिमस की पब्लिक। तो हमने नूब्स के लिए आज स्पेशल नूब वाले कपड़े पहने। लेकिन ना आगे जाके मेरा दिल फिसल जाएगा और मैं आपको बताऊँगा मेरा दिल कहाँ फिसला, लेकिन आगे जाके फिसलेगा बाबा जी। हम आए थे नोवो यानी कराची, और हमारे पास M16 और SLR कोई भी ऑटो गन नहीं थी। सामने बंदे उतरे थे, एक तो शुरू वाले कंटेनर्स में और घर में दो स्क्वाड थे, आपस में इनकी फाइट हो गई। बाबा जी यहाँ पे मुझे मिल जाती है DP-28, जो कि सबकी अब फेवरेट है। लाइक मुझे लगता है इसका रिलोडिंग टाइम थोड़ा तेज़ कर दिया उन्होंने, तो मतलब DP हर कोई ज़्यादातर यूज़ करता है। DP उठाई मैंने, गाइस मैं आगे की तरफ रश कर रहा था, टीममेट एकदम भूखे नंगे टीममेट हमारे लूट कर रहे हैं मज़े से पीछे, और हम जा रहे हैं रश करने के लिए। DP थी तो मतलब रश किया जा सकता था, और जैसे मैं वेरा था मुझे पता था वो सामने वाले कंटेनर पे कहीं भी हो सकते हैं। रेड डॉट था और यहाँ पे मैं देखा तो साउंड आने लगा मुझे, तो ये 100 RP वाले भैया को तो गाइस नॉक किया, फिर फौरन से हमने किया फिनिश, रीलोड की गन। और ये टीममेट मैं नेड निकाला तो भाग जाता है यहाँ से, नेड हाथ में होता है तो मैं एकदम से कैंसिल नहीं कर पाता, तुक्के भी फेंकता हूँ बट नहीं फटता वो। तो बाबा जी उसके बाद ना वो बंदा भागता है घरों की साइड पे। अब इन्होंने एक स्क्वाड मार दिया था और एक स्क्वाड बचा था ये, और ये लोग घरों की तरफ भाग गए थे। आई थिंक ये जो बंदा गाइस है सोलो है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक पाकिस्तानी क्लैन था, पूरा स्क्वाड था, क्लैन वाला पाकिस्तानी पूरा क्लैन स्क्वाड था, वो वेट कर रहे थे घरों में हमारा। तो मैंने अपने टीममेट को बोला भाई आप वहीं पर रुको, हम वहीं से रोटेट करके घरों की तरफ आएंगे। हम यहाँ पर आए, नेट कर रहा था, बंदा निकल के पीछे भागा गाइस, तो हमने घरों पे उन पे कर दिया आगे की तरफ रश। बाबा जी देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और नाड़ा जो होता है वो होगा कच्चे के लिए, तो बस रश करते हैं। अब गाइस इनका आखिरी बंदा बचा था और वो पीछे भागता है, तो मैं उसकी तरफ पीछे भागा। तो ये भाई हमारे दीवार के साथ चिपक गए थे, TP प्लेयर थे, इनको हमने डाउन किया। और ये पूरा क्लैन था CTN भाई लोगों का क्लैन था, ये इनसे हमारी फाइट हुई यहाँ पे और इनको फिनिश किया। अब एकदम गाइस नोवो खाली हो चुका था, तो हम यहाँ से वापस गए कंटेनर्स पे, वहाँ पे जाके लूट वगैरह की, क्योंकि लूट का नो मजाक बाबा जी। व्हेन यू सी द क्रेट, मुझे नींद आ रही है और आप मुझे पता है मेरा डायलॉग आगे बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, मेरे को पता है पब्लिक, एनोनिमस की पब्लिक। तो गैस अभी मैं आपको बताऊँ, वीडियो एंड होगी ना, तो वहाँ पर हम सब मिलके एक बार द्रुद पाक पढ़ेंगे, द्रुद शरीफ पढ़ेंगे, तो प्लीज़ जाना मत। बहुत दिन से आपसे मैंने कुछ नहीं बोला, और लॉकडाउन चल रहा है तो मैं आपको ये तो बोलूँगा नहीं भाई कहीं पर डोनेट कर दो, क्योंकि लॉकडाउन है और लाइक एहसास होना चाहिए ना, तो मुझे है उस चीज़ का एहसास, तो मैं आपको उस चीज़ में तंग नहीं करूँगा। बट द्रुद पाक है, एक मिनट लगेगा, लाइक कुछ सेकंड लगेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे, तो एंड में लाजमी रुकना। गैस आए थे कोचिंग की यानी पिंडी, और स्क्वाड हाउस यानी अनोनिमस हाउस में हमने गाड़ी रोकी। अब यहाँ पे मैं बंदे देख रहा था कि है या नहीं है, और आई थिंक जिसका प्लेन था ना गैस, वो बंदा सामने आता है, एम करके खड़ा है। नहीं मतलब क्या सर, आपको आपको अपने एम पे इतना भरोसा है गैस? ये लोग मतलब क्या होता है, एक तो भाई खेल रहे थे सोलो स्क्वाड, इन्होंने पूरा पोचिंग की खाली किया, यहाँ पे मैं बॉट फायर दे रहा था तो यहाँ पर आके खड़े हुए और एम करके छत पे खड़े थे, लेकिन मैं झुका रहा और एकदम से उठ के DP से मारा और भाई गए मौत के मुंह में, टक से मौत के मुंह में गए।
इनकी हेल्थ भी कम थी आई गेस, पता नहीं, बट ये यहाँ पे फिनिश हुआ। और यहाँ पे इनका आउटफिट देख के गाइस मेरा दिल फिसल गया। गाइस सॉरी, मेरा दिल फिसल गया, किसी का भी फिसल सकता है। कार्लो का इतना अच्छा वाला आउटफिट, मतलब दिल तो फिसलेगा, दिल तो पागल है, दिल तो फिसलेगा। सस्ता गाना विद एनोनिमस बाबा जी। तो हमने कार्लो का यहाँ पे ड्रेस उठा लिया, और अभी एक स्क्वाड और आ चुका है पोचिंकी में गाड़ी लेके। पहले तो एक सोलो बंदे से फायर लेंगे जो कि आई गेस पाकिस्तानी है, और वो बचा हुआ था पोचिंकी में। नींद आ रही है पब्लिक, वो बंदा बचा हुआ था पोचिंकी में, और यहाँ पे टीवी ले रहा था, तो वो सामने घर से साउंड आता है कि वहाँ है। तो मैंने नेट निकाला, बट पता नहीं था है कहाँ, नेट जाया ना हो जाए, मैंने कैंसिल किया, दोबारा निकाला। इतनी देर में वो बंदा वहाँ पर आता है एकदम सामने, और फिर मैं नेट वहीं फेंक दिया। बट नेट थोड़ा लाइक लग के थोड़ा पीछे चला गया था, उसको डैमेज हुआ, वो भाग गया पीछे। अब डैमेज लेके जब पीछे भागे भाई, तो बॉट भैया आ गया। देखो गाइस अब किसने किल चुराया, स्टारड्यू किल चोर, ये मशहूर कर दो हर जगह। इसकी वीडियो देखते ना आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे, बस यही ठोका करो, स्टारड्यू किल चोर बस। फिर हमने इस पर रश किया गाइस, और उजी लेके खड़े हैं भाई हमारे बाबा जी ऐसे कैसे। यहाँ पे फिर हमने भाई की लूट की, और यहाँ पे एक गाड़ी आ चुकी गाइस, यहाँ पे अलग से बंदे घूम रहे होंगे। वो मुझे कैसे पता चला, ये देखो मैं ऐसे छत पे आया जंपम कर रहा था, और वो देखो वो गैराज के पास, पहले मुझे लगा बॉट है, बट ये पूरा का पूरा स्क्वाड घूम रहे बाबा जी यहाँ पे। डैमेज दिया बट भाई लोग बच गए। और अब हम करेंगे अकल इस्तेमाल। ये देखो गाइस पूरी गाड़ी खड़ी थी, अब मैं देखना कैसे अकल इस्तेमाल करके इनको डाउन किया। इतने मज़े से रोड क्रॉस करेंगे ना ये। यहाँ पर आके गाइस मैं टीपी लेने लगा, मुझे देखना था। कभी भी अगर आपको पता है ना कि चार लोग हैं और आपको पोजीशन नहीं पता, तो पहले तो कोशिश करो कि आपको सबकी पोजीशन पता चल जाए, कौन कहाँ पे बैठ के आपका वेट कर रहा है। तो इसलिए मैं आराम से टीपी ले रहा था और देख रहा था। अब ये बंदा एक भागा राइट साइड पे, थ्री स्टोरी में जा रहा है, जाने दो, अभी हमें इसकी पोजीशन पता चल गई। अभी एक और आएगा, आइए सर जी आइए, हमें आपका इंतज़ार है, कहाँ हैं आप। ये थ्री स्टोरी में गया, ये एक और जा रहा है। तो सब के सब आई गेस थ्री स्टोरी में थे। तो उसके बाद मैंने क्या फैसला किया गाइस कि मैं स्क्वाड हाउस के लिए छत पे जाऊंगा, वहाँ से मुझे थ्री स्टोरी का एक अच्छा एंगल मिलता है, क्योंकि मैं पिचिंग के आते रहते ना, तो इस चीज़ का आइडिया है। स्क्वाड हाउस एनोनिमस हाउस की छत पर आ गया, और यहाँ से हमने डीपी उठाई, और वो छत पे लेटे हुए हैं गाइस, जैसे इनको किसने देखा ही। और ये बंदे ना हैकर बोल रहे होंगे कि थ्री स्टोरी पे लेट के कहाँ से शॉट्स आ रहे हैं, लेकिन इनको क्या पता था कि भाई हमने यहाँ पे अकल इस्तेमाल किया है, अनोनिमस हाउस की छत पे जाके एंगल बनाया, एक नेड फेंका, और फिर मैंने कर दिया बाबा जी ऊपर रश। देखी जाएगी जो होगा अच्छे के लिए होगा, नाड़ा अच्छे के लिए होगा। तो भाई यहाँ कैंपिंग कर रहे थे, एकदम से मेरी हेल्थ खा गई काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए अकल इस्तेमाल करते हुए। फिर फर्स्ट एड लगाया, इनकी लूट करेंगे बाबा जी, क्योंकि लूट का नो मजाक, जल्दी से करेंगे लूट। ये वाला लॉ जो है ना, ये आप सारी लाइफ फॉलो करना, लूट का नो मजाक। कुछ भी हो, आपके टीममेट आपसे कितनी प्यार से बात करें ना, लेकिन ये जो टीममेट होते हैं ना, ये लूट का मजाक नहीं करते। तो इससे पहले ये लूट का मजाक ना करें, आप लूट का मजाक नहीं करना, उठा लो भाई, लूट नहीं मिलेगी, चुम्मी ले लो, पैसे ले लो, जान हाजिर है, लेकिन लूट नहीं मिलेगी। फिर हम गए अपनी गधा गाड़ी लेके निकले, और जैसे मैं थोड़ा सा आगे आता हूँ, ये राइट पे हमें नजर आते हैं बंदे फायर ले रहे थे, और एक नॉक है। पहले तो नॉक वाले का किल उठाना पड़ेगा, और यहाँ मैं अटक गया क्योंकि ढलान थी काफ़ी ज़्यादा। तो ये बंदे को नॉक वाले को फिनिश किया, दूसरा ये रहा। अब जो नॉक था ना गाइस, किसी और ने नॉक किया हुआ था, और हमने उनका किल चुराया। पहले मैं देख रहा था कि ये फाइट कहाँ ले रहे हैं, भाई को फिनिश किया, अब यहाँ पे एक फ्री का किल मिला हमें, एक को हमने नॉक किया था। मैं यहाँ देख रहा था कि बंदे हैं कहाँ, तो फिर मुझे आइडिया होता है कि वो देखो गाइस सामने रिच पे ड्रॉप के पीछे पहाड़ की तरफ बंदे हैं। तो भाई इतनी दूर हैं तो हमें कोई फिलहाल ख़तरा तो नहीं है, तो आराम से पहले लूट करते हैं, और लूट करने के बाद बाबा जी देखेंगे क्या करना है। नीचे वाले ही क्रेट भी लूटते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें रश करना है क्या। पहले तो मुझे वेट ही करना था कि शायद से वो रश करेंगे, अगर उन्होंने नॉक किया हुआ था तो उनका रश करना बनता था। ये लोग और हमारे पाकिस्तानी भाई लोग थे, तो ये गाड़ी लेके निकल जाते हैं। अब कन्फर्म करने के लिए मैं रोड पर देखता रहा कि अगर गाड़ी गई है, रुकी नहीं है, तो रोड से गुजरेगी। थोड़ी देर देखने के बाद गाड़ी रोड से गुजरती है, तो ये कन्फर्म हो जाता है वो जा चुके हैं। तो हम अपनी गाड़ी उठा के उनके पीछे जाने का फैसला करते हैं कि भाई अपनी गाड़ी उठा के उनको चेस करेंगे और फिर जाके फाइट लेंगे। अब जैसे हम अपनी गधा गाड़ी लेके गए, ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे होते हैं, आगे नज़र आता है कि उनकी गाड़ी ठुकी हुई है, एक और गाड़ी खड़ी है, और वो उन्होंने स्क्वाड मार दिया, और उनका पूरा स्क्वाड जिंदा है। मैं गाड़ी यहाँ ऊपर में रोक दी थोड़ी सी बेवकूफ़ी की, इसलिए मैं फ़ौरन से भाग के दरख्त की कवर में गया, और दरख्त की कवर में जाने के बाद पहले
पहले एक साइड से पीक ली, फिर दूसरी साइड से पीक ली, और फिर एक बंदा डाउन किया। अब गैस इस गेम में क्या था कि मेरी सेंसिटिविटी सारी ख़राब हुई हुई थी, रेड डॉट, 4x, 6x सब की। और मैंने ना मतलब कोशिश की थी कि इसी पे खेल लूँगा, लेकिन बहुत ही मतलब रिकॉयल कंट्रोल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी आपको आदत होती है ना उसी पे खेला जाता है सही से। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी इस मैच में मुझे। अब ये बंदा गाड़ी के पास से पीक लेता था, पहले तो इसको डाउन किया। अब एक बंदा इनका रोड के दूसरी साइड है, जिसने मुझे स्नाइपर से शॉट दिया था। जब इनके दो बंदे नॉक हुए गाइस, तो पक्का था ये वाला बंदा रिवाइव देने के लिए आ सकता है, तो हमने उस पर भी नज़र रखी, स्मोक भी हुआ था। अब इनका बंदा ओपन से कर रहा है रोड क्रॉस, तो मेरी टीममेट ने ना उसको डाउन किया। अब तीन बंदे इनके डाउन है, अब भी हम रश ना करें तो ये तो थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी हो जाएगी हमारी। तो मैंने यहाँ पे लेट के पहले तो इस वाले नॉक वाले बंदे को किया कन्फर्म, ताकि हमारा किल का भी नो मजाक जो है ना वो भी मतलब हम रिवाइव ना होने देना, किल का नो मजाक कन्फर्म कर लिया। टीममेट की हेल्प की पहली बार, लेकिन चलो इतना तो फ़र्ज़ बनता है भाई, हम आपका किल सिक्योर कर सकते हैं। फिर आके रश किया गया, ये बंदा शैक के पीछे भाग जाता है, और पीछे से एक और गाड़ी आने वाली है, तो हमें थोड़ा सा ना यहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता था। अब मैं एकदम थोड़ा सा डाउन रिच आ जाता हूँ, बट आप देख सकते हो उनके पास हाइट है, उनके पास अच्छी कवर है, हम लोग एकदम ओपन में हैं। तो यहाँ पे ना मैंने नेट निकाला, और नेट निकाल के फेंकूंगा शैक के पीछे, क्योंकि वो वहाँ से टीपी ले सकता है। अब एकदम परफेक्टली फेंका नेट, और इतनी देर में पीछे से गाड़ी आई, मैं लेटा और दोनों के दोनों नेट से फट गए। बाबा जी गाड़ी यहाँ से भाग जाती है, लेकिन हम इसके पीछे फ़ौरन से नहीं गए थे। पहले हमने यहाँ पे लूट की, क्योंकि लूट का नो मजाक, हेल्थ कम थी, हेलमेट वाइज डैमेज हो चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे इनकी लूट की। उसके बाद अपनी मेहरान गड्डी उठाई और बंदे ढूंढने के लिए निकले, तो हमें यही वाले बंदे यहाँ पे लेटे मिल जाएंगे। लेटे मिल जाएंगे मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब चलो मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लो कि लेटे कैसे मिले हमें। ये कुछ ऐसे लेटे मिले गाइस, एक बंदा अच्छा इन्होंने क्या कहा, भाई मैं इधर लेट रहा हूँ तू उधर लेट जा, जैसे ही आएगा गोलियों से भून देंगे। मतलब फुल प्लानिंग करके एकदम कैंपिंग हो रही थी बेचारे, थोड़ा सा बुरा लगा था मुझे, शायद से बेचारे रैंक पुश कर रहा हूँ। तो भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो सॉरी। अब गाइस दो ही बंदे बचे थे, और ना सामने से शॉट्स आ रहे थे, तो पहले तो हमने अभी पेन किलर उठाए, क्योंकि हमें करना था पेन किलर वाला मिशन। आज मिशन आया ना, नहीं तो भाई हमें भी मिशन करने पड़ते हैं, तो इसलिए हमने पेन किलर मार लिया। और उसके बाद जहाँ से गोलियाँ चल रही थी ना, तो हम वहाँ पे करेंगे रश, पहले देखते हैं। और वहाँ पे ऑलरेडी फाइट हो रही थी, तो मतलब दो स्क्वाड आपस में लड़ के, अभी एक स्क्वाड सिर्फ बचा ही था, और उसके भी दो बंदे बचे थे, मतलब या बंदे लड़ रहे होंगे, सिर्फ दो बंदे फाइट लेके जस्ट बैठे ही थे अभी। इतनी देर में हमने उन पर रश कर दिया, पहले तो हमने देखा स्मोक का है, तो स्मोक में बंदा हो सकता था, और यहाँ एक बंदा भागता हुआ भी नज़र आएगा, तो हमने उनके ऊपर जाके गाड़ी रोकी, ताकि हमें थोड़ा साफ नज़र आए और वो लोग प्रॉब्लम में आ जाएं गाइस, इसलिए हमने ऊपर गाड़ी रोक दी। और यहाँ रोकने के बाद पहला बंदा नज़र आया, फिर मुझे लगा गाड़ी में बंदा है, तो गाड़ी ब्लास्ट की, बट वो ऐसी जो है ना लाइक पीछे जा रही थी। आखिरी बंदा यहाँ नज़र आया गाइस, इसको डाउन किया, हमें मिला विनर, विनर चिकन डिनर। उसके बाद बाबा जी काफ़ी दिन हो गया था, मुझे लग रहा था कि मैंने ना मतलब अब गेम काफ़ी कम कर दिए गाइस, आइस की दर्द की वजह से, और मतलब अब मैं थोड़ा कम खेलता हूँ ताकि आंखों पर ज़्यादा असर ना पड़े। बहुत कम गेम करती थी, तो मैं थोड़ा सा ऐसा फील हो रहा था कि मेरी जो AR की गेम है ना वो थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है। तो मैं इस बार प्रैक्टिस कर रहा था बैरल और M4 के साथ, और यहाँ पे मैं फिर काफ़ी दिनों बाद बैरल और M4 के साथ, ये होगा ये डीसिंग है, मैं कवर में आ गया था और इस बंदे ने फिर मारा, कितनी बुरी बात है। तो भाई मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए दोबारा इसलिए ना M4 और बैरल यूज़ कर रहा था। ये भाई नज़र आए ज़रा सी जगह से, और हमने इनको डाउन किया, दो किल हमारे हो चुके हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे सबके सब, तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी काफ़ी। ये डाउन किया, पीछे भागे हमारे बम में गोलियां मार दी इन्होंने, हेल्थ हमारी काफ़ी कम रह चुकी है, रीलोड करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कि हमारी हेल्थ पूरी हो जाए। एक नेड निकाला, और ये लोग एक साइड पे खेल रहे थे गाइस, एक दूसरे को कवर देके खेल रहे थे, तो मतलब इनको डाउन करना मुश्किल हो रहा था, और मैं काफ़ी बार मरा भी इसी चक्कर में, क्योंकि मैं किसी टीममेट की हेल्प नहीं ले रहा था, अकेला घुस के खेल रहा था, और ये लोग एकदम कवर लेके साथ में खेल रहे थे। अब यहाँ पे 5 किल हमारे हो चुके थे, 4 की स्ट्रीक जा रही थी मेरी, ये हो गई हमारी 5 की स्ट्रीक। भग के पीछे आया, मेरी वेस्ट डैमेज हो चुकी है। ओके ये देखो भाई हमारे टीममेट्स का काम, अच्छा भला स्ट्रीक जा रहा था, और वो बंदा डाउन भी हो गया था ऑलमोस्ट, बट नेड आया बम करके हमें मार दिया नेड से। नहीं मतलब क्या ये टीममेट जो होते हैं ना, बस इनको बंदा नेड मार के इनकी लूट उठा ले। तो फिर हम गाइस दोबारा से आए, इस बार तो अच्छी बात ये थी कि हमारी लीड थी, 5 किल हमारे ज़्यादा थे एनिमीज से, और फिर जंप करके ये मैं डाउन किया भाई को, और दूसरे टीममेट इनके वहीं पर घूम रहे हैं कहीं पर। हमारी 7 की लीड है, और मेरे 7 किल हैं,
ये भाई को मारा, ऑलमोस्ट कवर में जा चुके थे बट गए, और ये जंप करके दूसरे भाई को डाउन किया मैंने, 3 के स्टिक हो चुके हैं। और यहाँ पे मेरे साथ प्रैंक होने वाला है, मार किसी को रहा था ये, पता नहीं छोटी चड्डी वाला कहाँ से निकल के आया, दोबारा से आगे गए गाइस। ये बंदा डाउन किया, बिल्कुल हेल्थ ले गया मेरी, कितना अच्छा मार रहे हैं आप देख सकते हो। 25 किल हमारे हो चुके थे, 10 किल मेरे थे, और मैं यहाँ कवर लेके अपने टीममेट को बचाया। दूसरे वो चड्डी वाला ऑलमोस्ट मर गया था बट बच गया ये चड्डी वाला, छोटी चड्डी वाले। और ये हमारा किल चोरी होते हुए, ये हम बंदा डाउन करते हुए, RIP किंग भैया। सिर्फ 11 किल की ज़रूरत है बाबा जी हमें, और ये हमने डाउन किया दोबारा से। ओके फिर प्रैंक हो गया, कैसे वहीं अपने घर के अंदर से पीक लेके मार रहे हैं कि आइए हम आपकी बैंड बजाएं। 13 किल हमारे हो चुके थे गाइस, 7 किल की हमें ज़रूरत है। अब यहाँ पे ना इस बंदे को जब मैंने डाउन लो किया ना, तो ये दूसरा टीममेट उसका सामने आ चुका है, तो मेरी हेल्थ भी कम थी तो मैं गया नहीं। हाँ लो तो कर दिया था गाइस, बट रश करना अभी भी बनता नहीं था, मेरी हेल्थ काफ़ी कम है, बट मैं थोड़ा सा क्लोज आ गया और इस बंदे को मेरे टीममेट पीछे से मार देता है। अब 5 किल हमें चाहिए थे जीतने के लिए, लेट के देखो जिगल कर रहा भाई, बड़ी मुश्किल से इसको मारा, और यहाँ पे एक ही किल बचा था सिर्फ। ओके 2 किल रह गए थे, अब 1 किल रह गया था, और ये मैंने बंदा ऑलमोस्ट मार दिया था, लेकिन ये किल मेरी टीममेट को कहीं और से मिल जाता है, और विक्ट्री तो मिलती है बट आखिरी वाला किल भी हमारा ज़ाया होते हुए बाबा जी। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। उससे पहले आप और मैं मिलकर द्रुत पाक पढ़ेंगे, मैं मतलब चुप नहीं हो सकता बट मैं फ़ौरन से एडिटिंग के बाद पढ़ता हूँ। आप लोग अभी पॉज करके पढ़ना, लाजमी पढ़ना, तो एक वीडियो के बाद देखो ना कितने लोगों को सवाब मिल जाएगा गाइस, इसलिए बस। बाकी मुझे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी थी गाइस, और कोई बात बुरी लगे ना माफ़ कर दिया करो, मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ जस्ट आपको हंसाने के लिए। टिकटॉक पे भी ऐसी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपको हंसाने के लिए, तो बस नाराज़ नहीं होना किसी बात से। और इंशाल्लाह मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में कल, और इंशाल्लाह मैं कोई नई अच्छी सी एपिसोड भी लेके आऊँगा कालिया की जल्दी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।